देखिए यहाँ पे ये इतना ये चौड़ा किया गया है, जो गिट्टी डाली गई है, ये डक्ट बनाया गया है, करीब 5 फीट चौड़ा है। अब इधर का देखिए कैसे डक्ट बनाने के लिए पूरा हिस्सा में ऐसे ले जाया जा रहा है, एकदम चुंगी चौराहे तक ये डक्ट का काम किया गया है पूरा, मतलब ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाला डक्ट नया बना हुआ है, ये काफ़ी पुराना था इधर वाला। देखिए जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, ये रायबरेली बाईपास से चलेंगे आपको चुंगी तक दिखाएंगे। पीछे हमारी जो रोड दिख रही है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसका कितना काम अपडेट हो चुका है। और डेट एंड टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों आज है 15 अप्रैल और सोमवार का दिन है। तो इसी के साथ साथ हम आपको नाका बाईपास वाला भी रोड दिखाएंगे, वो भी जो कि चौड़ीकरण उसका भी किया जाए, डक्ट वगैरह बनाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको अगर वो चीज़ें क्या चीज़ अभी कैसे यहाँ से। तो हम जो है हमेशा की तरह फिर से आके इस फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से ये वाला रोड देख सकते हैं आप, जो कि ये चौड़ीकरण हुआ है। पहले रोड जो था यहाँ से लेके ये इतने के बीच में हुआ करता था, अब देख सकते हैं इतना चौड़ा हुआ है, इधर इतना चौड़ा, ये डक्ट बन चुका है, यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिक दोनों ही उधर के साइड भी, और ठीक फ्लाईओवर के नीचे ये है रायबरेली बाईपास, और इधर के साइड वो पूरा साउंड बैरियर वगैरह लगाया गया है। उधर के साइड रायबरेली की ओर ये पूरा रोड जाता है, जिसका कि हमने अपडेट दिया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक नंबर का बनाया गया है। और फ्लाईओवर से इधर के साइड जाएंगे तो आप चले जाएंगे अयोध्या की ओर, गोरखपुर की ओर, मतलब अयोध्या के ओर कहने का मतलब है राम मंदिर की ओर, धर्मपथ मार्ग वगैरह ये सब इधर पड़ता है, और इधर के साइड लखनऊ पड़ता है। और अयोध्या की बात करते हैं, फल मंडी और सब्जी मंडी इधर के साइड ही, जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है इसके इधर के साइड है पूरा। तो अभी हम चलते हैं इधर से ऐसे नीचे उतरते हुए, आपको इधर की इस रोड का अपडेट देंगे, फिर आगे चुंगी चौराहा पड़ता है वहाँ का अपडेट आपको देंगे, फिर उधर से चलेंगे, उधर के साइड नाका बाईपास पड़ता है, उस वाली रोड को भी दिखाएंगे किस तरीके से निर्माण कार अयोध्या में चल रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप अयोध्या की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही अयोध्या की डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी। और अभी मौके पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस फ्लाईओवर पर, तो जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो फ्लाईओवर जैसे जंप करता है, देखिए ये गई, ये भी जंप कर रहा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नीचे, यहाँ से वीडियो को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम जो है आ गए हैं फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे, ये है रायबरेली बाईपास, वहाँ पे दूर देख सकते हैं रायबरेली रोड, इस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है एकदम एक नंबर की, धनुष आकार की। और यहाँ से अयोध्या जो है, मतलब जो राम मंदिर पड़ता है वो 12 किलोमीटर की दूरी से, और इस फ्लाईओवर के ठीक क्रॉस करने के बाद ये पूरा अयोध्या शहर ही है। इधर अयोध्या कैंट, अयोध्या बस स्टेशन, अयोध्या कैंट, इधर ही के साइड ये पूरा पड़ता है। मेन शहर की अगर बात करें, जिधर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, इधर ही के साइड मिलेगी। उधर के साइड जो है वो राम मंदिर है, और भी सारी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, इधर राम मंदिर के तमाम दर्शन वगैरह होते हैं। चलिए इधर के आपको रोड दिखाते हैं कितना इसका अपडेट हुआ है। चलो अब देखिए यहाँ पर ये इतना ये चौड़ा किया गया है, जो गिट्टी डाली गई है, ये डक्ट बनाया गया है, करीब 5 फीट चौड़ा है। चलिए इसी में अब धूल खाते हैं और अब वीडियो का आनंद लीजिए। उधर के साइड देख सकते हैं वो ज़्यादा चौड़ा है, जो गिट्टी डाली गई है। देखिए बहुत ही जल्दी जो है ये रोड बन के कंप्लीट होगी। ये देखिए नवीन मंडी स्थल अयोध्या, एकदम पूरा एक समय धूल ही धूल इस वाले रोड पे हुआ है। तो अभी जो है डक्ट का काम हुआ है और सीवर पाइपलाइन का काम हुआ है, और इतना ये गिट्टी वगैरह डाली गई है, देख सकते हैं कितना चौड़ा है ये। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिट्टी जो है पहले खोदा जाता है, फिर उसके ऊपर ये गिट्टी डाल के फिर इसको मजबूत किया जाता है। देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है, इस पॉइंट से देखिए वहाँ से लेकर वहाँ तक मिलाइए, काफ़ी ज़्यादा वाइडर है। अब पहले क्या था कि इतना ही जितना बीच पे दिख रहा है इतना ही रोड मतलब हुआ करता था। देखिए पोल्स आप देख सकते हैं कैसे मतलब ये इस पॉइंट पे है, ये वाली मंदिर देखिए अभी भी है, पिछले अपडेट में हमने आपको दिखाया था, जो कि ये डक्ट में आ रही है।
आप से यहीं साइड में लगा, एक मिनट, दाहिने साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से आप पोल देख सकते हैं, पोल के बाद देखिए इतना स्पेस ये चौड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि अयोध्या में अब अधिकतर रोडें जो हैं ऐसी ही पूरी चौड़ी चौड़ी रहेंगी। और ये डक्ट आप देख सकते हैं इधर के साइड, पूरा वर्क सेम इधर के साइड भी आप देख सकते हैं वहाँ पे दूर। तो ऐसा कुछ ये पूरा हाल हुआ है इस वाले रोड का। चलिए चलते हैं आगे। अभी देखिए आगे जो है पोकलेन से वर्क किया जा रहा है, और आगे ये खंभे जो है काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब करते होंगे, जो कि ये बाद में सबसे हटेंगे। क्या अभिषेक कैसे गाड़ी चला रहे हो? अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या खतरनाक वर्क हुआ है। रुकिए यहाँ पे आपको रुक के दिखाते हैं। इधर का देखिए पूरा एकदम मिट्टी निकाल दिया गया है। इधर देखिए वर्क। अब इधर का देखिए कैसे डक्ट बनाने के लिए पूरा एकदम ऐसे ले जाया जा रहा है। अब ये सब खंभे देखिए जितने भी हैं सब अंडरग्राउंड वायर वगैरह, और बीच में जो है स्ट्रीट लाइट लगी, ताकि रायबरेली रोड से किसी भी रोड से कोई आए तो उसको बिल्कुल वैसा ही झलक दिखे जैसा कि हम रामनगरी में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। उधर के साइड का अभी देखिए बचा हुआ है, देख के आते हैं। बैटरी चार्जे 80%। इधर हो चुका है, ये देखिए नीचे से ये गया हुआ है ना यहाँ पे डक्ट, अभी पूरा एकदम भरा हुआ है। और इस रोड पे जो है काफी सारी कोचिंग्स वगैरह पड़ती हैं। क्या खतरनाक एकदम पूरा बड़े बड़े लोहे और ये सबसे वर्क किया जाता है इसका। देखिए ये जो रखा हुआ है ये बड़ा वाला, इसको इतने गहराई में खोद के जमीन के अंदर डाला जाता है ताकि मिट्टी खसके ना, और बीच में जो है वर्क होता है। काफी ज्यादा वाइड है, अब यहाँ सब देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आ गए हम चुंगी चौराहे के पास, यहाँ तक डक्ट बना हुआ है, आगे इधर बनेगा। देखिए यहाँ पे रुकते हैं तो आपको दिखाते हैं पीछे का सीन, देखिए अब कैसा पूरा एकदम चौड़ा चौड़ा दूर तक नजर आ रहा है। आइए अब चलते हैं इधर नाका बाईपास की ओर, इधर की चीजों को आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ तक जो है एकदम चुंगी चौराहे तक ये डक्ट का काम किया गया है पूरा, मतलब ये देख सकते हैं आप सब। अब सेम उधर भी वैसे ही रहेगा, अभी तो नहीं हुआ है बट हो जाएगा जल्दी, पेट्रोल पंप तक उधर हुआ है। और इधर से भी देख सकते हैं, और इधर देखिए इस बार ये बन भी चुका है यहाँ पे। उधर के साइड देखिए पेट्रोल पंप के सामने ठीक वहां पे, उतना पीछे वो जो बना हुआ है लगभग सोच लीजिए उतना चौड़ा चौड़ा मार्ग रहेगा पूरा का पूरा। अभी देखिए यहाँ पे बाकी है, इधर की चीजें देखिए कुछ जो है तोड़ी गई है, एकदम खुला खुला लग रहा है। अब इधर से पूरा लाइन से देखिए ये डक्ट इधर बना हुआ है, और उधर के साइड देख सकते हैं मन कामेश्वर हनुमान मंदिर जिसका कि फ्रंट टूटा हुआ है।
अभी इधर देखिए, इधर ये वाली रोड बन चुकी है। अब देखिए आ गए हम नाका बाईपास के पास। अब देखिए इधर वाला मार्ग सामने जाता है सुल्तानपुर के लिए, और इधर ही से ये एयरपोर्ट मार्ग भी है। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये वाला डक्ट नया बना हुआ है, ये काफी पुराना था इधर वाला। देखिए बिल्कुल ऐसे जाते हुए ये पूरा बना हुआ है। तो काफ़ी चौड़ा जितने भी मार्ग हैं अयोध्या के, सब काफ़ी चौड़े चौड़े हो जाएंगे। अब चुनाव के बाद तो और तेज वर्क होना चाहिए। जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो इधर ये काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है, क्योंकि पूरा रोक दिया जाता है। अब इधर ही से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई भी हो, इधर ही से जाता है होते हुए अयोध्या नगरी में। तो बाहर बाहर जाता है तो अयोध्या शहर को मतलब देख नहीं पाता, वही धर्मपथ मार्ग से पड़ता होगा। अब क्या है, जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, ये पूरा जाएगा इधर से चौक घंटाघर होते हुए, फिर रामपथ पे मिलता है। अगर आप वीडियो कभी देखे होंगे हमारी तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा। इधर वाली पूरे रोड का सीधा जाके रामपथ मार्ग पे मिलता है। तो कोई आएगा तो इधर से शहर को देखते हुए पूरा अंदर अंदर जाएगा, तो उसको पूरा मतलब फील होगा, रामपथ भी देख लेगा, ये भी देख लेगा, शहर भी देख लेगा। तो इस वजह से शहर के अंदर को पूरा अच्छा बनाया जा रहा है। और देखिए एक चीज़ का वो खुला है शॉप, यहाँ भी देख लीजिए, जो अयोध्या के होंगे, मिस्टर सैंडविच, वहाँ पे एक नया स्टोर खुल रहा है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।